हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मेरे साथ है ऋषभ। ऋषभ SAP फीको कंसल्टेंट है और अभी इन्होंने रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले अपनी जर्नी एज ए SAP कंसल्टेंट स्टार्ट की है। ऋषभ ने ग्रेजुएशन कर रखा है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने SAP कंसल्टेंट की जर्नी स्टार्ट की है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स जो आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर CMA सेमी क्वालिफाइड के बाद एज ए कंसल्टेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। थैंक्स। सो हाय ऋषभ, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू? या आई एम आल्सो गुड। सो ऋषभ, वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली? बेसिकली तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके ओके, दिल्ली में मेरा। ओके, सो आपका होम टाउन प्रॉपर दिल्ली से हो आप? राइट। सो ऋषभ, आपने आफ्टर अच्छा पहले आप ये बताओ कि आपने जो ग्रेजुएशन किया था, आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया या फिर डिस्टेंस से आपने किया था? एक्चुअली मैंने डिस्टेंस से किया था मैंने। ओके, S12 से? राइट ओके राइट। सो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी आपके दिमाग में था कि आपको SAP के साइड जाना है, या फिर उस समय क्या चल रहा था कि आप फ्यूचर में अपने करियर के बारे में क्या सोच रहे थे? आफ्टर द वाइल ग्रेजुएशन मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने बस यही सोचा था कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब मैं स्विच करूंगा, या तो मैं CMA करना चाहूंगा या तो मैं CA करना चाहूंगा। बट ऑन सेम टाइम फैमिली इश्यूज थे तो मैं वहां पे नहीं कर पाया। बट आफ्टर ग्रेजुएशन यस, किसी ने मुझे गाइड किया कि SAP में एक बार आप ट्राई कीजिए क्योंकि इसमें काफी हद तक स्कोप भी है, ग्रोथ भी है, मतलब यू नो आपको ईच एंड एवरी थिंग की नॉलेज हो जाएगी उसके लिए। तो फिर मैंने आफ्टर जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2021 के बाद, तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था SAP। मैंने SAP की क्लासेस लेके शुरू करी। जो हमारे सर थे वो मोहम्मद इशार सर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रॉपर गाइड किया इसके रिगार्डिंग। सो जब आपने मोहम्मद इरशाद सर से आप कनेक्ट हुए तो आपको मतलब उनकी क्लासेज पढ़ाने के तरीके और वो सारे चीज मतलब जो क्लास में करवाते हैं प्लस उनका नॉलेज लेवल आपको कैसा लगा? उनका नॉलेज लेवल काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। क्योंकि देखिए SAP तो एक सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए आप SAP में आ क्यों रहे हो, SAP में क्या है ऐसा। तो उन्होंने SAP पढ़ाने से पहले हमको ये बताया कि SAP मतलब यू नो करना क्या है। जो SAP है, SAP का मेन जो मेन प्रोस्पेक्टिव होता है वो बिजनेस और सब कुछ ऑटोमेशन करना होता है। हर एक डिपार्टमेंट को ऑटोमेशन प्रोवाइड करना होता है। राइट। तो पहले उन्होंने हमको ये सिखाया कि SAP बेसिकली है क्या, उसका यूज क्या है, इंडस्ट्री में इसका यूज क्या है, बड़ी कंपनीज क्यों उसको सिलेक्ट करती है और हल्के हल्के ये छोटी छोटी कंपनीज में भी आ रहा है। तो उन्होंने पहले हमको SAP ना सिखा के उसका यूजेस बताए, फिर उसके तरीके बताए। लाइक जो SAP में चार वे होते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट होता है, आपका रोल आउट होता है, आपका माइग्रेशन होता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। और बेसिक नॉलेज जो होती है SAP के अंदर, FI की अलग नॉलेज होती है, CO अलग अलग मॉड्यूल है, उन दोनों की मुझे नॉलेज प्रोवाइड करी। उसके बाद फिर हमने एंट्री लिया है SAP के। ग्रेट ग्रेट। सो जब आपने मतलब सर से क्लासेस लेने के बाद जब आपने SAP वर्ल्ड में आप इंटर किए, आपकी जो फर्स्ट जॉब है अभी या जो आप कर रहे हो, तो स्टार्टिंग फेज में आपको क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से उस चीज में भी आपको सर काफी हेल्प किए? सर इनिशियल इनिशियल लेवल पे काफी काफी ज्यादा इशू हुए थे, काफी ज्यादा इशू हुए थे। क्योंकि जब इनिशियल लेवल पे एक्चुअली मैं सेमेस्ट्री इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर रहा हूँ एज अ SAP फीको कंसल्टेंट, और राइट नाउ इट्स माय सेकंड प्रोजेक्ट। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो रोल आउट था। ओके। ऑन सेम टाइम एक्चुअली इशू ये थे कि रोल आउट मैंने कभी किया नहीं, ये मेरा पहला टाइम था, तो अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही थी, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी, मतलब काफी सारे इश्यूज थे जो मैंने फेस करे। बट ऑन सेम टाइम मैंने ईशा से तो काफी हद तक हेल्प ली। अब वो 24 आवर्स एक्टिव तो नहीं थे, बट जब भी वो एक्टिव हुए उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी इसके रिगार्डिंग। राइट। क्योंकि जिस पर्सन ने क्योंकि हमारे सर ने एक्चुअली वो काफी सारे काम कर चुके हैं, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग हमारी काफी हद तक हेल्प करी है। अब वो कैसे भी करे, अगर वो CO लेवल पे अगर मैं चेक करूँ वहां से भी देखूँ, अगर मैं FI लेवल से देखूँ तो वहां भी हेल्प किया उन्होंने। ओके। सो ये जो आपने बताया आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट रोल आउट के प्रोजेक्ट थे, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, किस टाइप के वर्क होते हैं आपके पास? ओके। इसमें सर देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ रोल आउट होता क्या है। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक स्मॉल एग्जांपल कि मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी
दूसरी कंपनी, स्मॉल कंपनी को यू नो एक्वायर कर लिया है। हाँ, तो ऑन सेम टाइम मैं क्या करूंगा कि अब एसईपी के अंदर कंपनी कोड होते हैं, जिसमें अगर हमारी जो कंपनीज है, अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल रिलायंस का, तो रिलायंस एक ग्रुप हुआ, रिलायंस के अंदर काफी सारी कंपनीज है, लाइक आपकी पेट्रोलियम की अलग कंपनी, रिटेल की अलग कंपनी है, आईटी की अलग कंपनी है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कंपनी कोड। तो अगर हमने कोई कंपनी को एक्वायर करा तो हम उसका अलग एक कंपनी कोड बना देंगे और हम चेक कर पाएंगे उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और सेपरेट। तो वो हमारा यू नो बेसिकली काम होता है रोल आउट करना। ओके ओके, सो आपने रोल आउट किया और आई थिंक अभी आप माइग्रेशन प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, राइट? राइट सर। सो माइग्रेशन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या काम करना होता है? सर माइग्रेशन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है एसएपी सिस्टम वो ईसीसी है। नाउ अभी 2015 में हाना यू नो लॉन्च हुआ था, राइट? इट्स अ क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट, राइट? इसमें क्या होता है बेसिकली आपका जो काम है मतलब उसमें कुछ इन्हेंसमेंट एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? मोर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए। पहले क्या पता ईसीसी के अंदर आप दो ही करेंसी को एडजस्ट कर पाते थे, बट हाना के अंदर आप 10 करेंसी को एडजस्ट कर पाओगे, राइट? काफी सारे फीचर्स में ऐड होते हैं। हाँ, तो काफी सारे फीचर्स आ गए, वो टेबल्स भी आ गए हैं, एक ही टेबल है अब, रिकंसिलिएशन बहुत इजी हो गया है, तो सारे फीचर्स हैं। राइट राइट राइट। अगर मैं टेबल की बात करूँ, अगर जैसे अभी आपने टेबल की अगर बात करी है, तो पहले काफी सारी टेबल थी फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबके अलग अलग टेबल्स होती है, फाइनेंस की अलग टेबल होती है, एपी की अलग, एआर की अलग, आर2आर की अलग, पीपीपी की अलग, सबके अलग। बट राइट नाउ एसएपी ने एस फॉर हाना के अंदर एक ही टेबल बनाई है, दैट इज कॉल्ड एसी टोकन। उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में और डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स में। ओके, ये इजी किया गया है फॉर कंपनीज के लिए। राइट राइट। सो अच्छा, आप ये मुझे बताओ, आपने अप्रोक्स कितने टाइम से आप एसएपी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो? सर एक्चुअली अगर मैं बात करूँ कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, तो मोर देन आई थिंक मुझको एक साल अभी होने वाला है। ओके, सो एक साल आपने भी काम किया है इस प्रोफाइल पे, तो बेस्ड ऑन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है एसएपी का फ्यूचर कैसा है? सर इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है इस माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज देखिए जैसे आप जानते होंगे कि हर दिन जो आईटी है वो अपग्रेड हो रहा है, राइट? और इसी तरह हमारा एसईपी भी अपग्रेड हो रहा है बिजनेस को देखकर। जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उनको काम स्मूथ चाहिए होगा, वैसे हम उसमें एनहांसमेंट करते जाएंगे। पहले जैसे ईसीसी था, अब हाना हो गया, उस टाइम बाद कुछ नया आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हम अपग्रेड करते रहेंगे एसईपी के अंदर। ओके, सो आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि उन्हें एसईपी कोर्स करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? एसईपी का कोर्स करना चाहिए, और सर आपने नेक्स्ट क्या बोला आपने? उन्हें एसएपी का कोर्स क्यों करना चाहिए, मतलब क्या उनको इससे क्या मिल सकता है एसएपी को कोर्स कर लेने के बाद, उनकी फ्यूचर क्या हो सकती है? सर देखिए, सबसे पहले तो आपको मिलेगी स्किल्स एसएपी के अंदर, राइट? एसएपी कंसलटेंट बनना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इसमें हार्ड वर्क काफी लगता है सर, ठीक है? उसके ऊपर अगर वो टीचर अगर आपको और भी अच्छे मिल जाए तो आपका काम आसान तो पड़ जाता है, बट आफ्टर सम टाइम आपको ही मेहनत करनी है। क्यों करनी है? लाइक मैंने जैसे मैंने सर से क्लासेस ली, अब मुझे नॉलेज हो गई, आफ्टर नॉलेज का मैं ऐसा मतलब यू नो रोल आउट पे बैठा हुआ, ठीक है? वहां पे क्लाइंट से भी डील करना होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, ठीक है? वहां पे एक्सेल का भी काम होता है। अगर मैं बात करूँ एज अ एंड यूजर बेसिकली सर, जैसे आप जानते होंगे कंपनीज के अंदर एपी O2 के O2C प्रोसेस चलते हैं, P2P प्रोसेस चलते हैं, R2R चलते हैं, वो एंड यूजर हुए, हम कंसल्टेंट हुए, तो बेसिकली क्या होता है कि हमको उन सब की नॉलेज होती है। अब उन सब की नॉलेज लेने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ती है, तो आप ये देखो कि आप में अगर मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होगी, कैसे बिलिंग से लेकर आपके हेड ऑफिस तक की आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो आपको पता होगा, ऑपरेशंस में क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो आपको पता होगा, राइट? स्किल्स जैसे आपकी इंप्रूव कर गई तो वहां पे आपकी जो पैकेज है वो भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, राइट? तो ये चीजें है उसके अंदर। और क्यों करना सर, करने का रीजन बनता है क्योंकि जहां पे स्किल्स नहीं है वहां पे पैसा नहीं है। यस, यहाँ पे एक्चुअली आपको हर एक काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एसईपी सीख कर आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं, एसईपी के साथ साथ आपको एक्सेल का भी काम आना चाहिए, ठीक है? वो आप सीख जाओगे जब आप कंपनी में काम करते रहोगे, आप सीख जाओगे एक्सेल का काम, सीख जाओगे वर्ड का काम, सीख जाओगे
प्रेजेंटेशन आपको बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी, देन आपको फिर जो जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मतलब यू नो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना यूजर्स को, एक यूजर नहीं होते, जब हम किसी को जब हम किसी कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे सारे यूजर आते हैं। लास्ट टाइम जो मेरे यूजर्स थे वो कम से कम 400 प्लस थे, उसमें सीनियर्स भी थे, उसमें मैनेजर्स भी थे, उसमें आपके बिलिंग वाले भी थे, उसमें एसोसिएट सीनियर एग्जीक्यूटिव सब थे उसमें। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर आपको इन सबकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इसमें आपने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली है, आप उनको फिर दे रहे हो, अगर वो उसमें हैप्पी हो रहे हैं, इसमें आपकी इट मीन आपने अपना काम कर दिया। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिजनेस का एक एक प्रोसेस पता लग गया। आपको ये भी चीज पता होगी जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाओगे तो वहां पे उनका बिजनेस प्रोसेस अलग होगा, देन आपको फिर नेक्स्ट डिफरेंट चीज मिलेगी लर्निंग प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो दो चीजें हैं ऐसे भी, अगर आपको एंट्री करना तो आप तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, अगर आप R&D में अच्छे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आपके लिए ऐसे भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप SCP में आओ, आपको बहुत सी लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे एक क्वेश्चन और, लाइक कि अगर कोई फ्रेशर BCom करने के बाद SAP फील्ड में इंटर करता है तो एक एवरेज क्या पैकेज जो एक्सपेक्ट कर सकता है बीइंग अ फ्रेशर? ओके, बीइंग अ फ्रेशर, ऑलराइट। अच्छा, ये एग्जांपल सर मेरे पे ही है। नहीं मतलब आप अपना एग्जैक्ट पैकेज मत बताओ, बट हाँ एक बच्चों का रहता है कि यार अगर मैं कोर्स कर लिया तो मैं कितने रुपए कम से कम या एवरेज कितना अर्न कर सकता हूँ और फ्यूचर में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ पैसे के टर्म में, राइट? ओके, सो इनिशियल लेवल अगर मैं बात करूँ एज अ फ्रेशर आफ्टर BCom, इफ यू हैव गुड नॉलेज, सो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो मिनिमम एवरेज पैकेज होगा इफ यू अगर आपको तब भी अगर SCP FICO में अगर बात करूँ दो मॉड्यूल्स की, FICO दो अलग अलग मॉड्यूल है बट FI में ये दोनों एक ही माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों की 50-50% की नॉलेज है सो आप डेफिनेटली जा सकते हो 4L, ठीक है, 4 लाख पर एनम आप जा सकते हो, राइट। बट अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम कितना है तो सर वो तो आई थिंक CR पहुँच जाएगा आराम से, राइट। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपके पास आते जाएगी, आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल करते जाओगे आपको उस हिसाब से पैकेज इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे, तो मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग भी ऐसा, मतलब मैं भी एसेंचर में, लेकिन ये है ना कि अगर मैं खुद से बोलता हूँ तो बच्चों को लगता है कि ये सर अपने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं ना, वो वाली बात हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपसे ये चीज पूछा है। सर देखिए हमारे काम हमारे हमारी फील्ड के अंदर एक्चुअली क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत। अब सप्लाई का मतलब बेसिकली क्या है, नॉलेज का, मैं लोगों को, और जिस पे नॉलेज है वो बहुत अच्छा बना रहा है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि अगर आपको इसके अंदर आना है तो नॉलेज गेन करके डेफिनेटली आइए। फ्रेशर लेवल पे भी आते हैं तो एंट्री ले लीजिए आप, एंट्री लेना ही डिफिकल्ट है इस लाइन के अंदर। अगर आपने एंट्री ले ली, अगर आपने अपने 2 ईयर्स निकाल लिए एक सिंगल कंपनी के अंदर, 2 प्रोजेक्ट भी अगर आपने कर लिए खुद से, सपोर्ट तो आपको मिलेगा, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी सपोर्ट, बट अगर आप प्राइमरी पर्सन बनके अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, रोल आउट करते हो, सपोर्ट करते हो, माइग्रेशन करते हो, कुछ भी करते हो, तब आप चेक करना कि जब आप फ्रेशर थे तो आपकी नॉलेज क्या थी, आफ्टर माइग्रेशन या आफ्टर सिंगल प्रोजेक्ट पर आपकी नॉलेज क्या थी, तब खुद बिलीव हो जाएगा। तो इनिशियल लेवल में मैं ये कहूंगा कि आपको 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कितना ही मिल रहा हो, आप एंट्री लीजिए, 2-3 ईयर्स तक काम कीजिए, आफ्टर दैट आपका जो पैकेज होगा वो बहुत अच्छा होगा, एंड आफ्टर 5 या 10 ईयर्स तो फिर वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि आपको कितना कमाना है। राइट। सो ओवरऑल मतलब इरशाद सर से आप हैप्पी हो, राइट? हाँ, काफी हद तक वो एक्चुअली मेरी काफी हेल्प करते हैं, अभी भी हेल्प करते हैं राइट, वो तो अभी मेरी भी हेल्प करते हैं इनफैक्ट। क्योंकि माइग्रेशन का टाइम देखिए अभी भी मेरा माइग्रेशन चल रहा है, अभी भी 1 मंथ मेरा पेंडिंग है, ठीक है, मेरा काम 1 महीने बाद मतलब गो लाइव होगा मेरा, तो अभी पूछते हैं कि कोई इशू है तो बताओ, तो नहीं सर अभी तो कोई इशू नहीं है, जब होगा तो मैं डेफिनेटली कॉल करूंगा, कह रहा बिल्कुल कॉल करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं मॉर्निंग नाइट में अवेलेबल हूँ कोई। सो ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि आपको विदाउट SAP और SAP बताए। SAP पे तो हम एंट्री मान लेंगे, इम्प्लीमेंट बेसिकली हम कहीं ना कहीं से देख के भी हल्का फुल्का ही सीख पाएंगे, 10% ही सीख पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि SAP एक समुद्र है अगर आप बोलो तो,
आप कितना भी लर्न कर लो नहीं कर पाओगे। सो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा कि जिसको भी एंट्री करनी है वो एंट्री करे, बट एक यू नो कह सकते हैं कि कसम खा के आए कि बनूंगा तो कंसल्टेंट ही, क्योंकि आप ये चेक करना डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एससीपी फीको कंसल्टेंट जो होते हैं मैक्स जितने जो बनते हैं बेसिकली वो सीए बनते हैं या सीएमए वाले बनते हैं सबसे। अब वो क्यों बनते हैं, शायद उनको पैकेज ज्यादा चाहिए उसके बाद आफ्टर्स। अगर आप सीए बनते हो, अगर आप सीए बनते हो तो मैक्स मिनिमम से मिनिमम आपको 14 या 18 लाख का पैकेज मिल जाता है आफ्टर सीए विदाउट रैंक, ठीक है। बट अगर उसमें अगर आपने एससीपी को कंसल्टेंट किया, अगर आपने कोर्स कर रखा है, नॉलेज है आपको अच्छी खासी, तब आप आराम से 30+ कर सकते हो। और उसके बाद गलती से आपने 2 प्रोजेक्ट पूरे कर दिए तो आप डेफिनेटली एक स्टेज पे पहुंच जाते हो। इसमें एक्चुअली फर्क क्या है कि बीकॉम बीकॉम वाला जो बीकॉम जो जो हमारे जो स्टूडेंट है हमारे बीकॉम वाले उनको बिजनेस नॉलेज नहीं, बट जो हमारे सीए हैं सीएमए हैं उनको नॉलेज है बिजनेस की, क्योंकि वो आर्टिकलशिप करके आए हैं, वो पूरा बिजनेस पढ़ के आए हैं उनका, राइट। तो इसलिए उनका पैकेज बढ़ जाता है। तो मैं तो आपको कहता हूँ अगर आपके कोई स्टूडेंट है जो सीएमए कर रहे हैं सीए कर रहे हैं उसके बाद अगर वो एफआईसीओ करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है उनके लिए, मतलब सिक्योर है डेफिनेटली वो। थैंक यू जीशा, गवर्नमेंट उनको देगी 10 साल के लिए, वो तो 2 साल में छाप लेंगे। ये तो है, थैंक यू कि आपने अपने वैल्यूएबल टिप्स दिए उन सारे बच्चों के लिए जो सी एस सी एम ए भी हैं या फिर बी कॉम कर रखे हैं एंड वो एस ए पी के फील्ड में आना चाहते हैं। थैंक्स, होप सो कि इस वीडियो से भी बच्चों को थोड़ा हेल्प मिले और एक गाइडेंस मिले कि आपको आखिर ऐसा नहीं है कि आपको एस ए पी में आने के लिए बहुत वो करने की ज़रूरत है, बहुत हार्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, बट अगर आप एस ए पी सीख लेते हो और अगर आपके पास बिजनेस की नॉलेज है तो आप स्टार्टिंग में आप एक इंटर कर जाओ एंड देन धीरे धीरे आप ग्रोथ करो चीज़ों को लेके। सो थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जल्दी से आपके प्रोजेक्ट गो लाइव हो जाए। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू रोहन, थैंक यू, डेफिनेटली होगा। थैंक यू, ओके बाय।